गाइस, कैसे हम सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ, और टिपिकली जो ऑटम क्लीनिंग रूटीन है वो भी चल रही है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके साथ आज का लंच मेन्यू जो था वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले व्लॉग का स्टार्ट करते हैं जी। और व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने सुबह सुबह से, यहाँ पे मैं अलीज़ा के नाश्ता बना रही थी, उसका आज स्कूल में मिला था। ये व्लॉग है जी फ्राइडे का, तो मैंने फ्राइडे को जो है ना उसको लंच में फिर नगेट्स उसके लिए फ्राई करी थी, साथ एक चिकन कबाब था। यहाँ पे मैं उसके नाश्ते के लिए एग बॉयल करी थी, और यहाँ पे अब बस मैं उसका लंच तैयार कर लूँगी। तो लंच में उसको ना थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ, क्योंकि उसकी क्लास में ना सब फ्रेंड्स शेयर करके खाती हैं, तो मैं उसको एक्स्ट्रा दे देती हूँ ताकि दूसरे बच्चे भी इससे लेके खा सकें। तो ये इतना ज़्यादा खाती नहीं है, लेकिन मैं इसको हमेशा लंच जो है ना थोड़ा ज़्यादा बना के देती हूँ। और आज तो था ही मिलाद, और इनकी कोई स्कूल डे नहीं था, मतलब स्कूल के बैग्स नहीं लेके जाने थे, तो थोड़ा फ़न ही था इनका, तो इसलिए फिर मैंने इनको इसको बिस्किट्स दिए थे, साथ नगेट्स और कबाब इस तरह से मैंने रख दिया था लंच बॉक्स में। और साथ रेगुलर वाटर इसको मैं देती हूँ, जूसेस वगैरह मैं नहीं देती क्योंकि ये एलर्जिक है। और बस यहाँ पर मैंने इसका लंच पैक कर दिया था, उसके बाद मैंने उसको नाश्ता कराया और अलीज़ा को फिर मैंने स्कूल भेजा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं उस दिन लॉन्ड्री करूँ जिस दिन अलीज़ा का यूनिफॉर्म भी मुझे मिल जाए, और सारे कपड़े एक दफ़ा ना सारे के सारे वॉश हो जाएं उसकी यूनिफॉर्म समेत। क्योंकि अगर एक यूनिफॉर्म भी उसका रह जाए तो ना मुझे अजीब अजीब सही रहता है कि मतलब ये गंदा रह गया, और नेक्स्ट वीक जो है ना थोड़ा काम आना था उसको, तो इसलिए मैं कोई डे ऐसा ही रखती हूँ। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडे को लॉन्ड्री ना ही करूँ, ताकि एक दिन मुझे थोड़ा सा फ्री मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी, ऑलमोस्ट कपड़े जो थे ना इस टाइम पे मैं वॉश कर चुकी हुई थी। और बस यहाँ पे आज वैसे मिलाद था उसका, तो उसने स्कूल की यूनिफॉर्म में जाना नहीं था, तो मुझे यूनिफॉर्म ही मिल गया था। वरना फ्राइडे को भी ये होता है कि उसका स्कूल डे अगर हो तो उसको यूनिफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता, तो फिर मैं सैटरडे को लॉन्ड्री करती हूँ। तो आज फिर फ्राइडे को ही मैंने कर लिया था, लेकिन मैंने ये काम सुबह सुबह से शुरू कर लिया था। ऑलमोस्ट अलीज़ा जब स्कूल गई है उसके फ़ौरन बाद से मैंने मशीन लगा ली थी, और कपड़े जो है ना यहाँ पे वॉश करी थी मैं। और उसके बाद ये कपड़े जब वॉश हो जाएंगे तो फिर मैंने गर्मियों के कपड़े संभालने हैं, क्योंकि अब तो ठंड हो गई है, और या तो मिड सीज़न के कपड़े चलेंगे या फिर विंटर्स के निकालने हैं अब मैंने, तो इनको पहले मैं रखूँगी तो ही मैं विंटर्स के निकालूँगी, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं सारे कपड़े एक जगह पर रख लूँ। तो इसलिए मैं कपड़े सारे जो है ना ढूँढ ढूँढ के सारे गर्मियों के वॉश करके मैंने निकाल लिए थे यहाँ पर, ताकि मैं सबको ना वॉश करके और फिर मैं उनको संभाल दूँ। तो लॉन्ड्री डे बड़ा हेक्टिक होता है मेरा, लेकिन ये कि आज जो थी ना साथ ऑटम क्लीनिंग भी थी मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो गया था। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो कभी कभार वैसे मैं बना लेती हूँ ऑमलेट, मोस्टली जो है ना वो नहीं बनाती हूँ, कभी कभार अंडा वगैरह फ्राई कर लेते हैं या फिर ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी थोड़ा टाइम हो तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज मेरा थोड़ा दिल कर रहा था तो मैंने ऑमलेट बना लिया नाश्ते में, और साथ चाय बनाई थी, रोटी वगैरह बना ली थी। तो मतलब नाश्ते के टाइम तक ना ऑलमोस्ट कपड़े मैं धो चुकी हुई थी, बस थोड़े बहुत रह गए थे वो मैं साथ साथ मशीन में डाल रही थी। यहाँ पे बस मैंने ऑमलेट डाल दिए। अच्छा, ऑमलेट जब भी मैं बनाती हूँ उसको मैं तवे के ऊपर बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई पैन जो मेरे पास है ना वो छोटा है, तो इतना अच्छा आता नहीं है, तो मुझे इस तरह से ना खिला खिला सा और बड़े साइज़ का ऑमलेट पसंद है, तो इसलिए मैं इसको बनाती हूँ। फिर इसको देखते देखते मैं कपड़ों की तरफ गई, तो ये थोड़ा सा ओवर कुक हो गया एक साइड से, तो जब मैंने इसको फ़्लिप किया तो देखें थोड़ा सा जो है ना इसका कलर डार्क आ गया है, तो मशीन की तरफ मैं गई तो ये इतनी देर में ना डार्क हो गया। तो पर खैर है, कोई नहीं, हो जाता है अक्सर। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था, और उसके बाद बस नाश्ता वगैरह किया था। अच्छा, कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर वॉशिंग शुरू कर दी थी सारे फ्लोर्स की। यहाँ पे मैंने पानी गरम डाला है, सारा जो कुछ किचन का जो सिंक के चूल्हे के साथ का जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा ग्रीसी हो जाता है, और उसके बाद बस मैंने डिश वॉशिंग सोप डाला है, इससे अच्छे से सोप की झाग भी बन जाएगी, दूसरा जो सारा ग्रीसी होता है वो सारा अच्छे से कटिंग हो जाती है उसकी, बड़ा अच्छा सा साफ़ हो जाता है आपका फ्लोर। तो यहाँ पर बस मैं अच्छे से ब्रश के साथ इसको साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर देना है फ्लोर्स को। तो बाकी जो दीवारें वगैरह थी वो सारी मैंने साफ़ कर ली, मतलब सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, और उसके अलावा कपड़े वगैरह भी सारे मैंने जो मैं बेडशीट्स वगैरह थी वो भी उतार ली हुई थी, वो भी मैंने वॉश करनी थी आज। मतलब ऑलमोस्ट डस्टिंग और सारा बाकी काम हो चुका हुआ था, फर्नीचर वगैरह भी मैं क्लीन कर चुकी थी, बस फ्लोर वॉश करने रह गए थे, और वो मैंने सोचा था कि लॉन्ड्री डे के मैं साथ कर लूँगी और ये काम जो है ना मेरा ख़त्म हो जाएगा।
तो बस यहाँ पे आज फिर मैंने लॉन्ड्री के साथ उसको स्टार्ट कर लिया था। और ये काफ़ी जो है ना लंबा काम बनता है क्योंकि काफ़ी सारी जगह है वॉश करने वाली, लेकिन ये कि क्योंकि लॉन्ड्री में ऑलरेडी जो है ना सारा गीला हुआ हुआ होता है और मुझे वॉश करना ही पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि डीप क्लीनिंग भी इसी डे पे रखूँगी। जो मेन मेजर जो मेरा बेडरूम है उसको मैंने कम्प्लीटली वॉश करके सारा कर लिया था, लेकिन वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। उन दिनों में आइजल्स की तबीयत सेट नहीं थी तो उसका मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो उस कमरे में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे मेन वाले बेडरूम में, तो फिर मैंने उसको पहले क्लीन कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, तो इसलिए वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की। बस यहाँ पे सारा मैंने इस तरह से किचन को क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने सोप वाले वाटर को हटाने के लिए हल्के से पानी खोल के मैंने पाइप के साथ वॉश करना शुरू किया है। इससे ना जो सारी कैबिनेट्स हैं वो भी नीचे से गीले नहीं होते हैं। वैसे मैं एहतियातन उसको चेक कर लेती हूँ, कपड़ा वगैरह ड्राई उसके ऊपर मार लेती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल कम स्पीड रखी हुई है ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो पानी लगने से बार बार डैमेज ना हो। बस इस तरह से सारा मैंने किचन वॉश कर लिया था। उसके बाद लिविंग एरिया की बारी थी, इस पर भी मैंने थोड़ा सा सोप लगाया था, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी स्लिपरी है, तो फिर वो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाता और बच्चियाँ फिर गिरती हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्लिपरी करने से ग्रेज़ ही किया क्योंकि ये काफ़ी क्लीन होता है, इतना ज़्यादा मैसी नहीं होता क्योंकि इसको मैं हर लॉन्ड्री में धो देती हूँ। ऑलमोस्ट हर वीक ये आराम से धुलते हैं, ये सारा एरिया तो इतना ग्रीसी नहीं होता। किचन थोड़ा ग्रीसी हो जाता है क्योंकि किचन में काम ही सारा इस तरह से स्मोक का और ग्रीस का होता है जब आप रोटी वगैरह पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इस वजह से उसको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा बड़ा अच्छा सा क्लीन है, हालांकि मैंने इसको अभी आपके सामने ही वॉश करना शुरू किया है। और बस इसके साथ इस तरह से सारे का सारा मैंने लिविंग एरिया भी वॉश कर लिया था। और इस टाइम पर मैंने आइजल को अंदर रूम में बंद किया हुआ था, अलीज़ा तो स्कूल गई हुई थी, लेकिन आइजल को मैंने रूम में बंद किया हुआ था कि वो बाहर ना निकले क्योंकि मुझे स्लिप होने का डर होता है कि बच्चे पानी में अक्सर स्लिप होते हैं और उसको पानी में जाने का इतना शौक है कि वो जानबूझ के ना पानी में घुस जाती है, उसको जितना भी मना करें। तो इसलिए उसको मैंने उसके पापा को बोला है कि आप इसको अंदर रखें, इतनी देर में मैं सारी सफाई कर लेती हूँ। और बस जब मैंने सारा ड्राई कर लिया था उसके बाद ही मैंने उसको बाहर निकाला, तो बस मैंने बाहर भी सारा वाइपर लगा के ड्राई कर लिया था। और उसके बाद ये सारा जो एरिया था किचन का ये भी मैंने सारा ड्राई कर लिया। काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी और लेकिन ये कि काम हो गया था, बस कपड़े वगैरह ड्राई होंगे तो उनको संभालना था। और बस उसके अलावा जो था ना वो मेरा मतलब जो डीप क्लीनिंग में करी थी वो भी उसका भी काम कंप्लीट हो गया था और कपड़े धोने वाला काम भी हो गया था। अब मेजर जो उसके बाद काम था वो कपड़े संभालना और सर्दियों के कपड़े निकालना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है वो कपड़ों की जगह बनाना क्योंकि समर्स की नस्बत विंटर के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको अच्छी जगह चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे देखें किचन मेरा बिल्कुल माशाल्लाह से सारा क्लीन हो गया। अच्छा उसके बाद फिर मैंने निकाली थी जी अपनी ग्रॉसरीज से कुछ सामान, नमक ख़त्म हो गया था तो पिंक सॉल्ट मैंने निकाला। हम लोग मोस्टली ये यूज़ करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा उसकी पैकिंग अच्छी लगती है, बहुत प्यारा जो है ना इन्होंने ज़िपलॉक बैग में पैकिंग इसकी बनाई होती है। उसके बाद मैंने चने की दाल निकाली है, आज तो नहीं, वैसे मैंने शामी कबाब बनाने थे अलीज़ा के लिए लेकिन मैंने इसीलिए निकाल लिए पहले ही। और आज मैंने बनानी है जी मिसर की दाल और चावल, तो वो भी मैंने निकाली है। तो ये जो है ना दाल मेरी बड़ी फेवरेट है और आजकल तो मोस्ट फेवरेट है विद राइस, तो ये मैंने निकाली है कुछ अभी फ़िलहाल पकाने के लिए, बाकी मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल दी है। ये एयर टाइट बॉक्स अभी मैं लेके आई थी और ये जो है ना दालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। मैंने राइस कंटेनर मंगवाया था उसमें मैंने दालें डाली, लेकिन दालें तो हम लोग हमेशा देखभाल के लेते हैं कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगा हो, लेकिन राइस में हमेशा कुछ ना कुछ होता है क्योंकि उसको राइस को तो फ़र्क पड़ता नहीं है उससे, तो इसलिए मैंने जो है ना जब उसमें दालें डाली तो सारी दालें ख़राब हो गई थी, तो मैंने नेक्स्ट टाइम जो है ना कभी कोशिश नहीं की उसमें डालने की। तो राइस सीरियल में आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने राइस रखे हुए और इसको मैं ना अलग ही रखती हूँ, दालों को मैं अब अलग से ही रखती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने राइस भी पहले निकाल के भिगो दिए थे, जितनी देर में दाल होगी इतनी देर में चावल भी अच्छे से भिगोए जाएंगे, तो आधा घंटा मैं इनको लाजमी देती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने दाल रखी थी, दाल मैं बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड से बनाती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो दाल को मैंने जो भिगो दिया था वो ऑलमोस्ट एक पाव के करीब दाल होगी, उसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया है और एक कप के करीब टमाटोज का पेस्ट मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं वो फ्रोज़न फॉर्म में मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा नमक लाल मिर्च हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है और इसके अलावा ये सारे मसाले डाल के ना ऑयल के अलावा बाकी सब चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से बस मिक्स कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको कवर करके पकाऊंगी। ऑलमोस्ट मैं तो इसको 10-15 मिनट्स के लिए पकाती हूँ, तो ये अच्छी सी टेंडर हो जाती है और उसके बाद मैं इसके ऊपर तड़का लगा देती हूँ। तो हमारे घर में ना इस तरह से दाल पसंद की जाती है और कम से कम कम मसालों में ना दाल में या किसी भी चीज़ में उसका अपना फ्लेवर आता है,
वरना तो ऐसे लग रहा होता है जैसे आप मसाले खा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मसालों से अवॉइड करना चाहिए, मैदे के लिए भी अच्छे हैं और हमारी सेहत के लिए ओवरऑल भी अच्छे नहीं होते हैं। और कम मसालों में आप बना के कभी चेक करें तो इतने फ्लेवरफुल बनते हैं चीज़ें। तो मैं तो बस इसी सिंपल मेथड से बनाती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो बस मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया, इसको मैं गला लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं इसका तड़का रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे बस मैंने साथ इसके ना सैलेड बनाना शुरू किया, और राइस के लिए साथ जो मैंने बनाना था। तो यहाँ पे प्याज जो है ना वो मैंने थोड़े छोटे साइज़ में काटने थे, तो उस हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये वाला कटर मैं आपके साथ शो करती हूँ, बड़ा अच्छा सा ये कटर। सबसे ज़्यादा आसानी इसमें यह है कि आपको अलग अलग प्लेट्स में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसी के बाउल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस प्याज जो है ना मैंने क्योंकि छोटे स्लाइसिस में कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा जो है ना इसको स्टेप बाई स्टेप में मैं कटिंग करी थी। और बस साथ साथ मैंने इस तरह से सैलेड इसका बना लेना है। सब सब्ज़ियाँ मैंने रखी हुई हैं, ये सब सब्ज़ियाँ मैं काट लूँगी और अच्छा सा जो है ना मैं सैलेड रेडी कर लूँगी। और उसके साथ मैं आपको साथ शेयर करती हूँ तड़का बनाने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया, थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, 3-4 टेबल स्पून के करीब आप कह सकते हैं। तो पैन को मैं पहले गर्म कर लूँगी थोड़ा सा, उसमें मैंने डालना है जी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है, और एक मैंने ये मिर्च ली है, सब्ज़ मिर्ची जो रेड हो जाती है, मतलब फ्रेश वाली है वो मैंने ली है। तो ये दाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मैंने कवर उतारा, ये बड़ी अच्छी सी रेडी हो चुकी थी। तो बस अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा जब ब्राउन होना शुरू होगा तो उसमें मैं ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चों को, मतलब ये जो लाल मिर्च मैंने डाली है, इसको 1 मिनट तक के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना वरना ज़ीरा काला हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने इसको देखिए इस तरह से चला लिया है, और अब इसको मैं तड़का लगा दूँगी दाल को। और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है, बहुत सिंपल और बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत इजी बनने वाली है। और आप बड़ी आसानी से ना इसको बना सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बिजी हों। तो बस यहाँ पे मैंने इसको धनिया के साथ गार्निश कर दिया था, और दम के साथ बस इसको मैं 15 मिनट्स के लिए पकाऊँगी, 10 मिनट्स के लिए इस तरह से कवर करके, और या जितना आप इसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहें उतना पका लें आप इसको। और चावल भी देखें यहाँ पे दम पे बिल्कुल रेडी थे, उनको मैंने दम लगा दिया था 15 मिनट्स का, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सैलेड रेडी करना था। बाकी सब चीज़ें मैं अच्छे से काट लूँगी, मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी कि कितना अच्छा इस कटर से ना सारी की सारी सब्ज़ियाँ कट जाती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसका बाउल आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी सब्ज़ियों की, इनको मैंने असेंबल कर लिया। अब काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ मैंने क्योंकि कट की थी इसलिए मैंने बड़े बाउल में ले ली हैं, और आप सोचते होंगे कितना ज़्यादा सैलेड, तो मैं सैलेड जो है ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, हमारे घर में सैलेड बनता भी ज़्यादा है। और इस तरह से देखें कितनी अच्छी जूलियन कटिंग हुई है बंद गोभी की भी। तो बस यहाँ पर मैंने बड़े वाला बाउल लिया, इसमें मैंने सारी की सारी सब्ज़ियाँ असेंबल कर दी हैं, और इसको मैं लीमों के साथ, लीमों मैंने साथ रख दिया था वैसे, इसके ऊपर नहीं निचोड़ा क्योंकि बच्चियाँ भी अक्सर खीरा वगैरह निकाल के खाती हैं, तो लेमन हम उनको देते नहीं हैं फ़िलहाल क्योंकि गला ख़राब हो जाता है बच्चों का एकदम से। और यहाँ पे पुदीना मैं लेके आई थी फ्रेश अपने किचन गार्डन से, वो मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया है, अच्छे से मैंने वॉश करके रख लिया हुआ था इसको, और लेमन और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च मैंने 1-2 इसके ऊपर रख दी थी। तो इसके साथ मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है, खाना आलमोस्ट यहाँ पर मेरा रेडी हो चुका था, बस उसके बाद खाना सर्व किया था। और ये थी जी मेरी आज की डे की रूटीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होती है, और जैसे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जो आजकल बहुत कम हुई हुई है मेरी, इसलिए रूटीन के व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो यहाँ पर ये मैंने आलू गोश्त बनाया था लास्ट डे, वो भी मैंने सालन गर्म कर लिया, बच्चों के लिए दही रखा है, साथ मैंने सैलड रखा है, और बस यहाँ पर हम लोग खाना खाएँगे। और यहीं पर था, और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।